इतना सुहाना दिन है और आज बब्लू डब्लू पार्क में हमारे नन्हे दोस्त शतरंज का खेल खेल रहे हैं। लल्लू तुम हार गए। खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा वक्त और दो। अपना समय ले लो लल्लू। जरा रुको ना यार। ये तुम कैसे कर रहे हो, मैंने किसी को ये करते हुए नहीं देखा। ये तो कुछ भी नहीं है, ये और भी बहुत सी चीजें कर सकता है। चलो आयुष्मान और भी कुछ दिखाओ हमें। हाँ मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे और देखना है। ठीक है। गजब आयुष्मान, ये तो लाजवाब है। बच्चों क्लास का समय हो गया। ठीक है बच्चों, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों का काम कौन सा है? जानना चाहते हैं? मुझे पता है। मैं भी मिस बनर्जी। मुझे भी। छोटे, इसका क्या मतलब होता है? ये वो होता है जो तुम बड़े होकर करना चाहते हो। तो बच्चों मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूँ। जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो तुम सब अपना जवाब देना, ठीक है? ये! एक प्रोजेक्ट, पर मैं तो बस छोटी छोटी ट्रिक जानता हूँ, मेरा तो कोई सपना नहीं है। अब पार्क के बंद होने का समय हो गया है। जाने का समय हो गया। छोटे क्या तुम्हें पता है कि मैं बड़ा होके क्या कर सकता हूँ? मैं कहता हूँ तुम सुपर हीरो बन सकते हो। मैं एक सुपर हीरो? मुझे नहीं पता, पर हम कोशिश करके देख सकते हैं। एक हीरो का काम ये है कि वो जंगल की हिफाजत करे। कोई मेरी मदद करो। ये तो मंगू है। चलो देखते हैं। अरे नहीं मंगू, क्या हुआ? ये क्या मुसीबत है? ये पानी मेरे घर में आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत बुरा है, सोचना चाहिए। हाँ मैं समझ गया, इसे मट्टी से भर दो तो और छेद नहीं होंगे। ये अच्छा आइडिया नहीं है, इससे तो कीचड़ बन जाएगा और लोग गंदे हो जाएंगे। बिल्कुल सही, मिल गया। ये काम करेगा। अब पानी फूलों की तरफ बह रहा है, तुम्हारा घर सुरक्षित है। तुमने तो कमाल कर दिया। पर मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, हीरो बनने के लिए समय लगता है। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी तरह हीरो बन सकता हूँ, मैं जाकर कुछ और कोशिश करता हूँ, फिर मिलेंगे। मुझे चक्के की जरूरत है। ये लो, हो गया। हाय निकू, तुम क्या कर रहे हो? हाय आयुष्मान, मैं कुछ आविष्कार कर रहा हूँ। आविष्कार? मैं एक महान आविष्कारक बनूंगा। कमाल है। निकू, क्या मैं भी कुछ आविष्कार कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, चलो मिलकर करते हैं। आओ बैठो। चलो इसे इस तरह से करो, सारे चीजों को एक साथ मिला दो। ये कहाँ लगेगा? उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आयुष्मान तुम क्या बना रहे हो? मेरा पहला आविष्कार। देखो ये एक ऐसा आविष्कार है जो जमीन और आसमान दोनों पर चलेगा। मेरा आविष्कार। आयुष्मान निराश मत हो, तुम दोबारा कोशिश करना, शायद तुम अच्छा बनाओ। निकू मैं जाकर देखता हूँ सब लोग क्या कर रहे हैं, फिर मिलेंगे। आयुष्मान अब इसको क्या हो गया? अरे वाह आयुष्मान, मेरे केले बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सभी केले बच गए। राजकुमार लल्लू तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
बिल्कुल मुझे पता है, मैं जंगल का राजा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। तुम अच्छे राजा बनोगे। मुन्ना और तुम क्या बनना चाहते हो? हा? मैं रसोईया बनूंगा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं राजकुमार लल्लू के लिए खाना बनाऊंगा। अरे वाह मुन्ना, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि खाना कैसे बनता है? तो सबसे पहले हम फलों के साथ शुरू करते हैं। पहले हम कुछ संतरे प्लेट में रखेंगे, फिर उन्हें इस तरह सजा देंगे, बिल्कुल इस तरह। मैं दो केले इस्तेमाल करूंगा और कुछ कीवी फल। ये लो, अब ये तैयार है। अरे वाह मुन्ना, तुमने कितना अच्छा बनाया है। शुक्रिया, चलो खाकर बताओ। संतरे, केले और कीवी। अब ये सब क्या है? हाँ? कितना अटपटा लग रहा है। मैंने कोशिश की पर मैं खाना नहीं बना सकता। हाँ? हाय आयुष्मान, क्या हो रहा है? मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूँ? क्या तुम पेंट करने मेरे साथ आओगे? हम कलाकार बन सकते हैं। एक कलाकार? मेरा तो खत्म हो गया। बबली, क्या मैं देख सकता हूँ? ये देखो। वाह बबली, ये कितना सुंदर है। शुक्रिया। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? ये तो मेरे हाथों में चिपक गया। अब इसे मैं निकालूँ कैसे? मेरी पेंटिंग, सावधानी से। लोगों का क्या सपना है? अपने मम्मी पापा को इस बारे में बता।